सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह बात कई शताब्दियों से चली आ रही है कि कुछ जानवर भूकंप आने से पहले अपनी हरकतें बदल डालते हैं। इसकी भले साइंटिफिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई हो और खारिज भी नहीं किया गया हो, लेकिन रिसर्च कई बार जरूर हुए हैं। जानवरों के भूकंप के संकेत देने को लेकर इटली, जापान, चीन सहित कई देशों में चर्चा होती रही है। जल के अंदर रहने वाले कुछ जानवर के बारे में वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि ग्राउंड वाटर के रसायनों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जिससे पानी में रहने वाले जानवर को संकेत मिल सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बता रहे हैं जिनकी बदली हुई हरकतें भूकंप का सूचक हो सकती है। एक मेंढक। इटली के 2009 के भूकंप से ठीक पहले वहां के एक तालाब के सारे मेंढकों ने तालाब छोड़ दिया था और बाहर आ गए थे। ऐसा मेंढकों ने भूकंप आने से ठीक कुछ दिन पहले किया था। इस पर इटली में रिसर्च भी किए गए थे। रिसर्च के निष्कर्ष में लिखा गया, हो सकता है कि धरती के भीतर दबाव के कारण चट्टानों से चार्ज कण निकले हों और पानी के साथ उनका रिएक्शन हो गया हो। रिसर्च टीम को लीड करने वाले ने तब कहा था कि उनके थीसिस के आधार बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को आगे काम करना चाहिए। दो ओरफिश। किसी बीच पर ओरफिश नाम की मछली का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह मछली पानी के काफी गहरे में रहती है, लेकिन 18 से 20 फीट लंबी कुछ ओरफिश जब किसी समुद्र किनारे पाई जाती है तो भूकंप को लेकर अफवाहें चलने लगती है। इसके पीछे वजह है कि जापान के 2011 के भूकंप और सुनामी के ठीक पहले करीब 20 ओरफिश पानी से बाहर आ गई थी। जापान टाइम्स से मैसेंजर फ्रॉम द सी गॉड कहा था, चिली के 2010 के भूकंप से पहले भी मछुआरों ने कुछ ओरफिश को देखा था। तीन लाल चींटी। यूरोपियन जियो साइंस यूनियन की एक सालाना मीटिंग में पेश किए गए अध्ययन के मुताबिक लाल चींटी भी भूकंप के संकेत को समझ सकती है। गैब्रियल बर्बियारिच नाम के जियो बायोलॉजिस्ट ने इसके लिए 3 सालों तक चींटी की गतिविधियों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि जब एक बार 2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया तो चींटियों की गतिविधि बदल गई। पहले चींटी रातों में बिल में ही रहती थी, लेकिन भूकंप के वक्त बाहर आ गई थी। चार बिल्ली। एनिमल प्लैनेट ने कुछ रिसर्च के हवाले से कहा है कि बिल्लियों के कुछ संकेत भी भूकंप सूचक हो सकते हैं। कहते हैं कि कुछ वैसे वाइब्रेशन को हम इंसान नहीं समझ पाते, ये जानवर समझ सकते हैं। आपकी घरेलू बिल्ली अगर अचानक बिट से निकल पड़ती है और बिना किसी ठोस वजह के घबराई और डरी हुई नजर आती है तो ये भूकंप का संकेत हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।